नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नाम की जगह है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन का विस्तार करना था, गाड़ियाँ मुड़ सकें और गाड़ियाँ चल सकें, कई तरह के काम रहते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो हल्द्वानी में ये होना था। वहाँ की सरकार रेलवे की ज़मीन पर काबिज लोगों को हटाना चाहती थी। रेलवे, जो मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ज़मींदार है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें रेलवे के पास हैं, उसके बाद शायद मिलिट्री के, आर्मी के पास हैं। तो वहाँ से लोगों को हटाना जब शुरू हुआ तो लोगों ने उसका विरोध किया। उसके बाद कोई एक व्यक्ति कि रेलवे जनहित का काम कर रही है, लोगों को हटाने का हुक्म दिया जाए, वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोई एक व्यक्ति एक जनहित याचिका लेकर चले गया। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि इनको हटाया जाए, चूंकि एक सार्वजनिक उपयोग का काम यहाँ पर होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, लोग वहाँ पर बसे हुए हैं अभी, उनका जब तक निपटारा नहीं होता तब तक ये कैसे होगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार, इनसे एक सवाल पूछा कि आप यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, स्टेशन बनाना चाहते हैं, सब बातें ठीक हैं, लेकिन आप खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई। एक किसी व्यक्ति ने एक जनहित याचिका लगाई है और उस जनहित याचिका के आधार पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ हटा सकते हैं इनको, उस आधार पे कर रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस मामले में। जवाब नहीं था सरकार के पास। उसमें ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो तकरीबन 50,000 लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, 50,000 लोग कम नहीं होते हैं, छोटा कस्बा होता है 50,000 लोगों में, 50,000 लोग जो वहाँ बसे हुए हैं उनके पुनर्वास की क्या योजना है ये बतलाए पहले, क्योंकि पिछले 50 साल से धीरे धीरे उस ज़मीन पर लोग काबिज हुए, लोगों ने मकान बना लिए, पक्के मकान बना लिए, लोग रह रहे हैं वहाँ पर, 25-50 साल लोगों को रहते हो चुका है। चाहे आप उनका वहाँ पर ज़मीन पर हक चाहे ना हो, चाहे आपको वहाँ रेलवे स्टेशन का विस्तार करना हो, बनाना हो, लेकिन उनका पुनर्वास किए बिना आप उनको नहीं हटा सकते। मुझको लग रहा है कि ये एक फैसला, इसके बड़े जो एक हिंदी भाषा में एक गरिष्ठ शब्द कहा जाता है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लंबे समय तक इस फैसले का एक असर देखने मिलेगा। 3 जजों का फैसला है ये। अब अगर इस फैसले के खिलाफ कोई सरकार अपील करना चाहती है या कोई विभाग किसी सरकार का, तो उनको 5 जजों की संविधान पीठ में जाना पड़ेगा। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक मैं मानता हूं कि ये फैसला लागू होगा, और इस फैसले से हिंदुस्तान में सभी जगहों पर, किसी भी शहर में जब कोई सरकार या प्रशासन, म्यूनिसिपल कोई भी, जब लोगों को हटाना चाहेंगे कि ये इनकी ज़मीन नहीं है, यहाँ पर काबिज हैं, यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ फुटपाथ पे धंधा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये मुद्दा, ये फैसला उठेगा उसके खिलाफ़ किसी न किसी स्थानीय अदालत में, किसी राज्य के हाई कोर्ट में। क्या पुनर्वास के बारे में सोचे बिना कैसे लोगों को बेदखल कर सकते हैं। लोगों का बुनियादी हक है कहीं पर रहना। वो ज़मीन अगर उनकी नहीं है, सरकार की है, तो आपने अभी तक क्या किया। इतने कलेक्टर आए गए 50 साल में, प्रशासन बदलते रहा, अफसर आते जाते रहे, क्या किया आज तक। जिस समय बस रहे थे उस समय आपने क्यों नहीं रोका। मुझको लगता है एक बड़ा प्रगतिशील फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जो ये कहता है कि लोगों का रहने का हक है, जिंदा रहने का हक है। उनको अगर सरकार सरकारी ज़मीन से ही हटाना चाहती है
तो उसको पुनर्वास करना होगा, पुनर्वास की योजना बनानी होगी। पुनर्वास की योजना बना के रखिए सामने। सुप्रीम कोर्ट ने और आगे बढ़कर कहा कि आपको इसके पहले चरण में कितने लोगों की कितनी जमीन की जरूरत है, वहाँ कितने लोग बेदखल होंगे, उतने लोगों के पुनर्वास की योजना पहले बनाई है। मुझको लगता है कि गरीबों के हक में ये एक अच्छा फैसला है। इसके बारे में अलग अलग राज्यों को, राज्यों के म्यूनिसिपल को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पक्के मकान भी बन गए हैं आधी सदी में, लेकिन जिन जगहों पर लोग फेरी वाले ठेला चलाते हैं, सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे कहीं पर बैठते हैं, उनको म्यूनिसिपल जिस दिन चाहे उस दिन बेदर्दी से हटा देती है। राज्य सरकार के मातहत काम करती है म्यूनिसिपल, कोई हमारे यहाँ कहने के लिए तो निर्वाचित संस्था है, लेकिन बात बात में म्यूनिसिपल सरकार का मुंह देखती है तो हटा देती है, जिसको जहाँ से चाहे वहाँ से बेदखल कर देती है। इस फैसले के बाद मुझको ऐसा लगता है कि एक मुद्दा बनेगा पुनर्वास का, किसी की भी बेदखली के पहले उसके पुनर्वास की क्या योजना है। सरकार किसी को अपनी ज़मीन से भी बिना किसी तैयारी के, बिना उसको कोई वैकल्पिक इंतजाम दिए हुए, किसी को बेदखल इस तरह से नहीं कर सकती। ये भावना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की है। आसान नहीं होता है 50,000 लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना पुनर्वास का, लेकिन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको इतनी जगह की ज़रूरत है जहां 50,000 के करीब लोग बसे हुए हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले इनके लिए पुनर्वास की योजना बनाओ। हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लोगों को, और ख़ासकर जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको इस फैसले को बारीकी से देखना चाहिए। इनके जो वकील हैं, वकील कई जगह गरीबों के लिए, किसी झोपड़पट्टी के हक में, कहीं फेरी वाले या फुटपाथी कारोबारियों के हक में मामले लड़ते हैं बहुत से वकील, उनको भी इस मामले को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कौन कौन से तर्कों को मंजूर किया है, पुनर्वास के हक को उन्होंने कैसे महत्वपूर्ण माना है। अगर वो हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किए हुए लोगों को हटाने के पहले उनके पुनर्वास के हक को मान रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले मुंबई के फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोगों के, फेरी वाले लोगों के खिलाफ कहा था कि आप इनको हटा क्यों नहीं सकते, जब VIP यहाँ से निकलते हैं तो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए आप सबको हटा देते हो, बाकी दिन इनको क्यों नहीं हटा सकते, लोगों का फुटपाथ पर चलने का हक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अलग नज़रिए से मुंबई के फुटपाथ के बारे में कहा था, वो सार्वजनिक जगह इस्तेमाल में आती है फुटपाथ चलने फिरने के। मैं इन दोनों की किसी तरह से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि देश में जगह जगह बेघर लोग या जिनकी कोई दुकान नहीं है, ऐसे लोग जो सार्वजनिक जगहों पर ठेला लगाकर सामान बिछाकर कारोबार करते हैं छोटा सा, ऐसे तमाम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक किस्म से राहत लेकर आया है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक सवाल करता है कि जन कल्याणकारी सरकार जो है वो किसी की भी बेदखली के पहले उसके पुनर्वास के बारे में योजना बनाए। मुझको लगता है देश भर में जहाँ कहीं भी ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ लोगों को हटाने के बारे में नोटिस दिए गए हैं, किसी भी दिन आकर म्यूनिसिपल के बुलडोजर हटा देंगे। मैं अपने शहर में ही देखता हूँ, सरकार की एक ज़मीन पर, पिछली सरकार ने, छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने, सरकार की एक ज़मीन, स्टेडियम की ज़मीन थी, खेल मैदान की ज़मीन थी, वहाँ पे महंगी दुकानें बना दी पूरी की पूरी खाने पीने के सामानों की, और वो चल सके इसलिए सड़क किनारे से, फुटपाथ भी नहीं है, केवल सड़क के किनारे पे जो ठेले लगते हैं खाने पीने के सामान के, उनको सबको हटा दिया, पूरा खाली कर दिया। हमने उस वक्त भी उसका विरोध किया था, हमने कहा था कि किसी को भी बिना वैकल्पिक इंतजाम के नहीं हटाना चाहिए, और आप हटा इसलिए रहे हो कि आपने जो महंगी दुकानें बनाई हैं उनको लेने वाले लोग, जो कि हो सकता है घर के भीतर ही आपस में बांट लिया हो कांग्रेस के उस वक्त के नेताओं ने, बिल्कुल मुमकिन है ये।
तो उन लोगों का कारोबार चले, इसलिए जो ठेले चला रहे हैं सड़क किनारे खाने पीने के सामान के, उनको हटाया गया था। मुझको लगता है कि ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी कॉपी को हर म्यूनिसिपल को, सरकार के हर विभाग को पढ़ लेना चाहिए, चाहे वो जंगल की ज़मीन पे लोगों का कब्जा हो, चाहे गांव की ज़मीन पर कब्जा हो, शहर में किसी जगह रेलवे की ज़मीन पर या म्यूनिसिपल की ज़मीन पर कब्जा हो, इन तमाम सरकारी विभागों को भी इसको पढ़ लेना चाहिए। मेन मुद्दा जो है इसमें, मुख्य मुद्दा जो है वो है पुनर्वास की योजना, इसको जिम्मेदारी माना गया है सरकार का। आपके ज़मीन पे, रेलवे की ज़मीन पर या उत्तराखंड सरकार की ज़मीन पर अगर कब्जा है तो ठीक है, कब्जा है, या तो जिस दिन कब्जा हो रहा था उस दिन आपको रोकना था। आज 25-50 साल से दो तीन पीढ़ी वहाँ पे रहते आ गई है, आज आप उनको रातों रात बुलडोजर भेज के फेंक देना चाहते हो, बाहर कहाँ जाएंगे 50,000 लोग। ये तर्क पूरे हिंदुस्तान के हर शहर हर कस्बे में ये इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ जाएंगे फुटपाथ पे कारोबार करने लोग, कहाँ जाएंगे सरकारी ज़मीन पर जो जीते आ रहे हैं लंबे समय से, वो कहाँ जाएंगे। मुझको याद पड़ता है 80 के दशक में अर्जुन सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चार काम किए थे गरीबों के कल्याण के, जिसकी वजह से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और कोई भी ऐसा मौका नहीं रहता जब इस चर्चा को करने की गुंजाइश रहे और मैं चर्चा ना करूँ। उन्होंने पहला काम किया था तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण, तेंदुपत्ता के जितने कारोबारी थे, ठेकेदार कहलाते थे, व्यापारी, ये तेंदुपत्ता खरीदते थे, एक एक जंगल की नीलामी होती थी, ये लोग खरीदते थे उसको। अर्जुन सिंह ने इसको ख़त्म कर दिया, अर्जुन सिंह ने कहा कि जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं वही उसके मालिक हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी या जंगलों के आसपास के रहने वाले ग्रामीण जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं तोड़ते हैं वही उसके मालिक हैं, और सरकार केवल मध्यस्थ के रूप में इंतजाम करेगी, उस तेंदुपत्ता को खरीदेगी, उसको बेचेगी, शुरू में मजदूरी दे देगी, बाद में जो कमाई होगी उसका बोनस देगी। ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए साल का चले गया है ये मामला, इतना भला उन्होंने किया गरीबों का, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि रिक्शा चलाने वालों को मालिकाना हक, जो रिक्शा चलाते थे वो रिक्शा उसी का हो गया, और जो गैरेज वाले थे, जो मालिक थे उसके रिक्शे के, उनको पैसा मिला उन रिक्शे वालों की तरफ से, बैंकों ने बड़े आसान शर्तों पे मामूली ब्याज पर वो कर्ज दे दिया, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रहता था एक रिक्शे का। ये दूसरा फैसला था। तीसरा फैसला था उनका, जो जहाँ बसा हुआ है उसको वहीं पर रहने का रिहायशी पट्टा, शायद 100-200 स्क्वायर फीट तक का ही था, छोटा सा था, एक झोपड़ा छोटा सा बन सके, एक कोठरी बन सके, ऐसा जो जहाँ पर बसा हुआ है उसको वहीं पर पट्टा। मैं आपको बताऊँ, मेरे शहर में जो सिविल लाइंस का इलाका है, जहाँ केवल बड़े अफसर रहते हैं या कुछ मंत्री रहते हैं, उस इलाके में भी, जिस हिस्से में ये गरीब बसे हुए थे, झोपड़पट्टी जैसी थी, उनको वहीं पर पट्टा मिल गया था। आज अगर शहर के बीच में अलग अलग जगहों पर गरीबों की बस्तियां दिख रही हैं तो उसकी वजह अर्जुन सिंह हैं। उस दिन उन्होंने तय किया था जो जहां बसा है वहीं पर उसको रिहायशी पट्टा, और हुआ ये पूरे प्रदेश में हुआ था ये। चौथा फैसला उनका था एक बत्ती कनेक्शन, हर गरीब को, हर झोपड़ी को एक बत्ती जलाने का, एक बल्ब जलाने का। बाद में शायद वो एक ट्यूबलाइट हो गया होगा, बाद में फिर सरकारों ने कुछ यूनिट तक मुफ्त में देना शुरू किया। शुरुआत अर्जुन सिंह ने की थी 80 के दशक में, सिंगल बत्ती कनेक्शन कहते थे, एक बत्ती कनेक्शन, वो उन्होंने किया था। तो जो जहां बसा हुआ है उसको वहीं पर पट्टा, अफसरों को बड़ा खराब लगा था सुनने में, जो संपन्न तबका है जिसके बड़े बड़े आलीशान मकान है उनको खराब लगा था कि उनके बगल में अगर सरकारी ज़मीन थी उसमें 40 लोग रह रहे थे तो वो 40 अब पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहेंगे।
तो खराब लगता था, खटकता था, मखमल में टाट के पैबंद जैसा खटकता था संपन्न लोगों को, अफसरों को। लेकिन किया था अर्जुन सिंह ने, उनके ऐसे हर फैसले खटकते थे लोगों को, लेकिन किया था उन्होंने। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। उसने एक बुनियादी बात कही है कि सरकार को भी अपनी ज़मीन से अगर लोगों का अवैध कब्जा हटाना है तो आपको पहले पुनर्वास की योजना बनानी पड़ेगी। आप उनको ले कहाँ जाओगे, जाएंगे कहाँ, वो समंदर में कूद जाएंगे कि किसी पहाड़ी पे जाके कूद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको जिंदा तो रहना है। आज लोग बिना जुर्म किए हुए अगर कहीं पर रह रहे हैं, बिना जुर्म किए हुए किसी तरह का काम कर रहे हैं, स्वरोजगार, क्योंकि सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही है, सबको नौकरियां दे नहीं पा रही है। लोग खुद कोई गुपचुप बेच रहे हैं, कोई छाता सुधार रहे हैं, कोई कुकर सुधार रहे हैं, कोई रुई के गद्दे बना रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल के सीट कवर सिल रहे हैं, छोटे छोटे से काम रहते हैं सड़क किनारे। ऐसे ही बस्तियों में जो लोग बसे रहते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके बड़े महल नहीं बनते हैं, छोटे छोटे गरीब लोग कब्जा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है, तो वो वहाँ रहते हैं। तो उनकी पूरी ज़िंदगी के बनाए हुए छोटे से मकान, जो भले आपकी नज़र में कुल 10 लाख में बना होगा, उनकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी की बचत है, कमाई है जिससे बना है वो, आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी को बेदखल कर रहे हैं तो वैकल्पिक इंतजाम करें। बुनियादी बात समझ लेने की ज़रूरत है। जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बारीकी से देख लें, इसको बारीकी से समझ लें। ये हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे विस्तार करना चाहता है रेलवे स्टेशन का, उसके लिए इसने मांगी थी ये ज़मीन। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतने साल नोटिस जारी क्यों नहीं किया, क्यों इतने कलेक्टर आए गए? ये 25-50 साल से, शायद आज़ादी के पहले से, एक जज ने पूछा, ये आज़ादी के पहले से शायद वहाँ पे रह रहे हैं, आज तक क्या किया था आपने? किसी एक ने जनहित याचिका लगा दी, उस पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप उस जनहित याचिका को इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके पास कानूनी हक है उनको हटाने का, खुद मुकदमा दर्ज करो, खुद कानूनी कार्रवाई करो। उत्तराखंड की सरकार ने कहा था कि इससे बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगी, स्टेशन का विस्तार नहीं होगा, कई योजनाओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को, रेलवे अधिकारियों को, केंद्र सरकार में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ बैठक का निर्देश दिया ताकि पुनर्वास की योजना तैयार की जा सके, और 4 हफ्ते के भीतर पुनर्वास की योजना तैयार करने कहा है। 11 सितंबर को आगे सुनवाई होगी। इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, ये आदेश है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि केंद्र और राज्य सरकार, रेलवे, ये मिलकर 50,000 लोगों के पुनर्वास के लिए इनके पास क्या योजना है। मुझको लगता है जो जन कल्याणकारी नज़रिया निर्वाचित सरकारों का रहना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो इस मामले में मुझको सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है। कई लोगों को लग सकता है कि मैं अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग 25-50 साल से किसी जगह पर जिंदा हैं, रह रहे हैं, वहाँ जिंदा इसीलिए हैं कि वो जेल नहीं गए हैं, कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया है, उनको रातों रात कैसे हटा दोगे आप? कहाँ जाएंगे वो लोग? हल्द्वानी पहाड़ का छोटा सा शहर है, कस्बा है, वहाँ 50,000 लोग कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है जो कहा है कि दोनों सरकारें, रेलवे, सब लोग बैठो जाके शहरी विकास मंत्रालय के साथ, वो भी देखे कि वो कहाँ क्या योजना बना सकते हैं इतने लोगों को बसाने के लिए। मुझको लगता है कि हर राज्य सरकार को, हर म्यूनिसिपल को इसको पढ़ना चाहिए, और जब भी किसी को बेदखल करने का आपको शौक चर्राए, जब भी आपके बददिमाग में ये आए कि कहीं के बसे हुए लोगों को हटाया जाए, चाहे वो उनका घर हो,
बस्ती हो, चाहे वो कहीं पर कारोबार कर रहे हों। ये मामला सैद्धांतिक रूप में काम आएगा ये आदेश। हटाने के पहले पुनर्वास की योजना, 11 सितंबर को अगली सुनवाई है, बहुत दूर भी नहीं है, तो पता लगेगा कि क्या होता है, क्या योजना बना के रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या रुख रहता है इस मामले में, ये देखने का। ये मैं इस बात को सुधार दूं यहाँ कि ये फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये आदेश है। अभी मामला चलेगा, लेकिन रुख बड़ा साफ है, गरीबों के हित में है। निर्वाचित सरकारों का रुख गरीबों के हित में नहीं था, न उत्तराखंड का, न केंद्र सरकार के विभाग रेलवे का। रेलवे के अवैध कब्जे हटाने का पूरे देश में मामला जगह जगह उठता है। मुझको लगता है इस एक फैसले से उसका एक स्थायी निपटारा हो रहा है। क्या आपको किसी को हटाना है तो आप पहले वैकल्पिक इंतजाम बताओ क्या है, सोच के देखिएगा इस बारे में। गरीबों के हित का बड़ा फैसला है ये, आदेश है, लेकिन ये फैसला है कि ऐसा योजना बनाओ। फिर मिलेंगे आपको। अगर मेरी बात अच्छी लगती है, विडिटोरियल अगर अच्छा लगता है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसके लिंक बांटिएगा। वो भी सोच के देखें, वो हो सकता है गरीब ना हो, लेकिन गरीब के हक क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठकर गरीबों के हक की व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं, ये सोच के देखिएगा। सरकारें नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार नहीं कर रही थी, केंद्र की सरकार नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट गरीबों की फिक्र कर रहा है, सोच के देखिएगा इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आपके घर वाले आपको चाहते होंगे, आप चाहे कितने ही नालायक हों, बेरोजगार हों, दारू पी के घर पहुंचते हैं तो भी घर वाले चाहते हैं। आपको कैंसर हो जाए, आप कैंसर अस्पताल में पड़े रहो, डॉक्टर कहे कि आखिरी 2 महीना है, आखिरी 3 महीना है, मुंह में कैंसर हो जाए तो पूरे गाल काट कर निकाल कर फेंक देना पड़ता है, जबड़े को कूल्हे की हड्डी निकाल कर, पैर की हड्डी निकाल कर जबड़ा नकली बनाना पड़ता है, टूटा फूटा मुंह दिखता है, खा नहीं सकते, पीना पड़ता है कुछ, बहुत ख़राब ज़िंदगी रहती है। मैंने देखा है आसपास के कुछ लोगों को, बहुत ख़राब ज़िंदगी रहती है, आप आईने में अपना मुंह नहीं देख पाएंगे। अपने परिवार को ऐसी तकलीफ़ मत दीजिए। आपको तंबाकू की जिस शक्ल में भी लत होगी उसको छोड़ दीजिए, वरना मौत आपको नहीं छोड़ेगी। तंबाकू का कैंसर से और मौत से सीधा रिश्ता है, सिलसिलेवार है। छोड़ दीजिए इसको, फिर मिलेंगे।